स्पेशल ऑफर है, ₹1, इससे सस्ता अब कोई कोर्स नहीं है। मास्टर कोर्स हम लेकर आए हैं मास्टरों के लिए, मास्टरों का के लिए मास्टर कोर्स है। आप अपने जो भी रिलेटिव हैं उनके लिए मास्टर कोर्स दे सकते हैं हमारी तरफ से। 5 जनवरी यानी कि कल से शुरू हो रहा है, ₹1 मात्र ₹1 से जो है ये कोर्स शुरू हो रहा है। बेरोजगार मुंडा बोल रहा है भैया ₹1, हाँ ₹1 आपके लिए। HP टैट 2024 का टारगेट लेके चल रहे हैं, सबसे सस्ता, इससे सस्ता कुछ नहीं है। ₹1 मास्टर कोर्स जनवरी से ये शुरू होगा, जो कि जून में पेपर है HP टैट 2024 का। तो उसकी तैयारी के लिए ₹1 मात्र जो है वो आपको देना होगा। और इसमें हमारी लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस, ई बुक्स, मॉक टेस्ट सीरीज की जा रही हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड होंगे बच्चे वो हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें और वहां से इसको परचेज करें मात्र ₹1 में। अब हमारी जो क्लास है वो HP GK की स्टार्ट कर रहे हैं हम, तो जल्दी से आंसर करिएगा। 1700 की 1759, चल भाई चल, 1759 में अहमद शाह दुरानी ने किसे पंजाब का गवर्नर नियुक्त किया था? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। तो 1759 में अहमद शाह दुरानी ने जो है किसे पंजाब का गवर्नर चुना था? बिल्कुल सही आंसर, नाम है मुनीश राणा अनिकेतन, बिल्कुल सही। घमंड चंद और बब्बू मान, बहुत बढ़िया जी। अगला सवाल, भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में मदद की थी? भारत के किस गवर्नर जनरल ने कांगड़ा के राजा रणवीर चंद को महाराजा रणजीत सिंह से अपने राज्य के कुछ भाग पर अधिकार करने में हेल्प की है? जल्दी से आंसर करिएगा। सही आंसर क्या होगा? वो है लॉर्ड विलियम बैटिंग जो है वो इसका सही आंसर होगा। लॉर्ड विलियम बैटिंग, बेरोजगार मुंडा नहीं है साडा, रोजगार मुंडा है, बिल्कुल सही आंसर बी ऑप्शन। अगला सवाल, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 यानी कि 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? याद रखिएगा, किसने हेल्प नहीं की है ब्रिटिश शासक की या सरकार की, किसने नहीं की है, कौन सी है, कहां की सरकार है जिसने ब्रिटिश शासक की या सरकार की नहीं की है? बुशहर के शासकों ने बिल्कुल आंसर ये रहेगा। ये है जो क्वेश्चन, बहुत बढ़िया है। अगला सवाल, हिमालय रियासती प्रजामंडल की स्थापना 1939 में शिमला में की गई थी, उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष का नाम बताइए, हिमाचली या हिमालय बोलो, रियासती प्रजामंडल की स्थापना के। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया, सभी आंसर दे दिए हैं। और रोजगार मुड़े का बिल्कुल सही आंसर, पंडित पदम देव, प्यारे बच्चों, पंडित पदम देव। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश का कुल्लू जिला किन 5 जिलों से घिरा हुआ है? कई बार क्वेश्चन जो है ये इस प्रकार से पूछ सकते हैं आपसे,
कुल्लू के आसपास के कौन कौन से जिले जो हैं वो आते हैं, यानी कि मध्य में है कुल्लू तो कहाँ जैसे है, कौन कौन उसके बीच में है? तभी आंसर करते रहिएगा, बहुत बढ़िया रहेगा, आंसर साथ साथ में देते रहिएगा। करेक्ट आंसर रहेगा वो है लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी, कांगड़ा। तो करेक्ट आंसर रहेगा लाहौल स्पीति, किन्नौर, शिमला, मंडी और कांगड़ा, ए ऑप्शन सिया शर्मा। बहुत बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के कहां और किस जिले में 2011 में बर्फानी तेंदुआ केंद्र शासित, सॉरी केंद्र स्थापित करने हेतु सरकार ने 80 लाख रुपए अनुमोदित किए थे? कहां पर बर्फानी तेंदुआ जो है वो ये रखना चाहते थे? कहां पे रखना चाहते थे? तो सही आंसर, बिल्कुल सही, सभी सी ऑप्शन के साथ, किब्बर है लाहौल स्पीति में। कहां पे? किब्बर लाहौल स्पीति में, क्योंकि वहां पे ठंडा है, बर्फ गिरती है, तो वहीं पे अच्छा रहेगा। नेचुरल वाइब्स भी आए हैं, मधुश भी आए हैं, बहुत बढ़िया आंसर दे रहे हैं। ब्यास नदी किस स्थान पर पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है? बहुत बार आता है ये क्वेश्चन पेपरों में। ब्यास नदी पूरब से पश्चिम की ओर किस स्थान पर बहती है? प्यारे बच्चों जल्दी से आंसर करिएगा, कमेंट करिएगा, वीडियो को भी शेयर कर दीजिएगा, साथ साथ में शेयर करते चलिएगा कि किस स्थान पर पूरब से पश्चिम की ओर जो है ब्यास नदी बहती है। सभी आंसर साथ में ही दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों में भी शेयर करिएगा कि दोस्त भी आपके जो हैं वो क्लास जो हैं वो ज्वाइन कर लें, सभी साथ साथ में। बहुत बढ़िया आंसर रहेगा इसका, वो है इंदौर व मिर्थल के बीच, बी ऑप्शन, इंदौर व मिर्थल के बीच, ये इसका सही आंसर है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन। बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि जिन्होंने शशि वंश विनोद लिखी है, पुस्तक है, उनका नाम क्या था? जल्दी से आंसर कमेंट करिएगा। नेचुरल वाइब्स भी दे रहे हैं आंसर, बहुत बढ़िया से सभी आंसर देते रहिएगा। मुनीश राणा आए हैं, गणेश सिंह बोल रहे हैं, देते रहिए सभी आंसर जल्दी जल्दी, सी ऑप्शन कोई बी ऑप्शन कुछ भी दीजिए तो दीजिए, बस सबसे फास्ट आंसर देने वाले का नाम भी लेना चाहिए, तो वो है मुनीश राणा, ए ऑप्शन, गणेश सिंह। बिलासपुर राज्य के दरबारी कवि जिन्होंने शशि और या एवं शशि वंशज विनोद लिखी है, उनका नाम गणेश सिंह है, ए ऑप्शन। अगला सवाल, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के मसरूर में चट्टान मंदिर यानी कि रॉक टेम्पल का निर्माण किस शताब्दी के आसपास में हुआ? कल इसी से जुड़ा हुआ क्वेश्चन लेकर आया था, ये पहले कौन सी शैली पूछी थी, तो मैंने बताया था आपको ये कौन सी शैली है। हो सके तो आपने डेली क्लास लगाते हैं तो ये आपने नोट भी किया होगा, वो भी कमेंट करिएगा, जल्दी से आंसर करिएगा, आपके हिसाब से क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा वो है बी ऑप्शन, बिल्कुल सही, 7वीं और 8वीं शताब्दी के आसपास जो है ये रॉक कट टेम्पल को जो है वो बनाया गया था प्यारे बच्चों। बहुत बढ़िया जी मधु जी, बहुत अच्छे। रजनीश राणा, नागर शैली, शाबाश, नागर शैली जो है वो इसका सही आंसर रहेगा, नागर शैली। रजनीश राणा ने सबसे फास्ट आंसर दिया है, चलो इंटरनेट अपना अपना, कोई चक्कर नहीं है।
हाँ कल ही पूछा था भाई, बिल्कुल सही। मलौन किला किस जिले में की सीमा पर स्थित है, बताएं जल्दी से। मलौन किला, जल्दी से, 10 नंबर सवाल है। मलौन किला किस जिले की सीमा पर स्थित है, यानी कि बॉर्डर पर ही है ये मलौन किला, जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। तो समय जो है वो इसका क्लोज होता है। आंसर है वो है सोलन और बिलासपुर, सी ऑप्शन, सोलन और बिलासपुर के बीच में स्थित है, सोलन और बिलासपुर के बीच में। नोट कर लेना प्यारे बच्चों, कहाँ पे है मलौन किला, जब घूमने जाएं तो जरूर जाएं, यहाँ पर सोलन और बिलासपुर के बॉर्डर पर है मलौन किला। तो ये थी हमारे जनरल यानी कि हिमाचल की क्लासेस। अब हम स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की क्लासेस। करंट अफेयर की क्लासेस में आप सबका स्वागत है। अब हम करंट अफेयर से जुड़े हुए आज के मोस्ट टॉप क्वेश्चंस 10 लगाएंगे जल्दी से। तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहाँ किया गया है? तीसरे अटल गौरव सम्मान समारोह का आयोजन कहां पर किया गया है? अपना आंसर आप रख सकते हैं। तो आपको पता है, बहुत बढ़िया, नई दिल्ली में। बहुत बढ़िया अनिकेतन, बहुत बढ़िया, नई दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर है। फ्यूचर इन फौजी पालमपुर, बहुत बढ़िया, दिल्ली, बहुत बढ़िया जी, ए ऑप्शन। तो अटल फाउंडेशन के संयोजन से प्रधानमंत्री संग्रहालय नई दिल्ली में अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर तीसरी बार अटल गौरव सम्मान और पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अटल अवार्ड का आयोजन किया गया। इस बार देश में विभिन्न लोगों के आए हुए आवेदनों में से 35 लोगों को अटल गौरव सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड के लिए विभिन्न राष्ट्रों के समक्ष उम्मीदवारों में से 11 आवेदनों का चयन किया गया था। अगला सवाल, कहाँ जुलूस 2023 का 13वां संस्करण संपन्न हुआ है? जल्दी से आंसर दीजिएगा, जल्दी से जल्दी आंसर करिएगा। 13वां संस्करण जो है वो संपन्न हो रहा है या हुआ है? सही आंसर पुणे के साथ जा रहे हैं। सही आंसर क्या होगा, वो भी यही होगा, पुणे महाराष्ट्र। MH लिख रहा हूं, पुणे महाराष्ट्र इसका सही आंसर है। प्यारे बच्चों बता देता हूं, क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय है RTO के अनुसार पुणे में जो है 33,411 इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को पंजीकृत यानी कि रजिस्टर्ड हुए हैं, जो 2023 में जो है 30% बढ़ाकर बढ़ोतरी जो है वो दिखी है या दिखता है। और पंजीकृत वाहनों में जो है इसका टोटल 11% जो भाग है या हिस्सा है वो कुल दिखाई दिया है वाहनों की ईस्वी का जो है टोटल, ठीक है जी, 2023 के अनुसार। अगला सवाल है, उप मुख्यमंत्री ने यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है, बताइएगा किस राज्य ने के उप मुख्यमंत्री ने यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन का उद्घाटन किया है? जल्दी से आंसर लगाएं, जल्दी से जल्दी अपना अपना आंसर दीजिएगा। सही आंसर रहेगा, समय समाप्त हुआ, गुजरात, बी ऑप्शन, गुजरात इसका सही आंसर है। गुजरात बच्चों इसका सही आंसर है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री है भूपेंद्र पटेल ने अहमदाबाद में 20, अहमदाबाद में 20 न्यूरो अपडेट 2023 सम्मेलन में जो है उद्घाटन किया है, और वाइब्रेट गुजरात शिखर सम्मेलन में न्यूरोलॉजी सम्मेलन
के अवसर पर बोलते हुए मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि तत्कालीन मुख्यमंत्री और वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के समग्र विकास के लक्ष्य के साथ 20 साल पहले बाइपेट गुजरात शिखर सम्मेलन की शुरुआत की थी और इस वैश्विक शिखर सम्मेलन के लाभ आज स्वास्थ्य और भी अलग अलग क्षेत्र बताए हैं इसमें मैं रासायनिक में और फॉर्मुलिस्टिकल में भी स्पष्ट हुआ है। अगला सवाल चलते हैं, किसने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट प्रयास किसने लॉन्च किया है, जल्दी से आंसर कमेंट करिए। प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किसने किया है, जल्दी से आंसर साथ साथ में लगाइएगा, जल्दी से जल्दी। प्रोजेक्ट प्रयास, क्योंकि करंट अफेयर की क्लासेस जो है वो डेली लगती रहनी चाहिए, सबसे अच्छा रहता है, नहीं तो भूल जाते हैं भाई कि क्या है क्या नहीं। प्रोजेक्ट प्रयास, तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वो है हमारा IOM, IOM द्वारा जो है प्रोजेक्ट प्रयास जो है वो शुरू किया गया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन है द्वारा प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया गया है। ये परियोजना अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन इंडिया आवित्य विश्व मामलों परिषद के बीच एक संयुक्त सहयोग है। भारतीय श्रमिकों और छात्रों के लिए सुरक्षित व्यवस्थित और नियमित प्रशासन प्रवासन की सुविधा के लिए जो है ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया। अगला सवाल चलते हैं, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, बिल्कुल सही ममता सिंह, बहुत बढ़िया बेटा। अगला सवाल है, अर्जेंटीना में भारत कितने लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा? अर्जेंटीना में भारत कितने लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा? 2, 3, 4 या 5 आंसर कमेंट करिएगा आपके हिसाब से क्या आंसर होगा। करंट अफेयर की क्लासेस में बच्चे थोड़ा सा स्किप मार जाते हैं कि करंट अफेयर नहीं लगाना चाहते, करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं, उनके पेपरों में नहीं आते, ठीक है भैया। ये करंट अफेयर है या आम जिंदगी में हमें पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें कहीं पे भी काम आ सकता है और कम्पिटिटिव और बैंकिंग के हिसाब से तो वैसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। 5 लिथियम ब्लॉक हासिल करेगा अर्जेंटीना से, डिटेल है ये आप देखते रहिएगा। भारत का पहला जॉय क्रोक्राफ्टर एयर सफारी पर्यटन कहाँ शुरू हुआ? आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या महाराष्ट्र? जॉय क्रोक्राफ्टर एयर सफारी पर्यटन का सही आंसर रहेगा वो है उत्तराखंड। उत्तराखंड जो है वो इसका सही आंसर है, डी ऑप्शन सही आंसर है। अगला सवाल, भारत और कौन सा देश IBP रूट का विस्तार करने पर सहमत हुए हैं? किस देश के साथ जो है ये रूट बनेगा IBP? तब तक इसकी डिटेल देता हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। भारत और बांग्लादेश, ये याद रख लेना, आंसर तो सीधा ही हो गया बांग्लादेश, ठीक है, बांग्लादेश के साथ हो रहा है। तो डिटेल बताता हूँ, उसके साथ शामिल होने के लिए ने ओके किया है और तकनीकी टीम बनाने के लिए सहमत भी हुआ है बांग्लादेश, ये आप याद रख सकते हैं। अगला सवाल, PSF के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने दी है सेबी ने, कौन है वो? सेबी ने जो है किसे जो है PSF अध्यक्ष के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दी है, करने की सामने ही आंसर है।
अनिकेत आपका बिल्कुल सही आंसर है, बहुत ही बढ़िया। प्रमोद अग्रवाल, प्रमोद अग्रवाल जो है वो बिल्कुल सही आंसर। अगला सवाल, विश्व अंतर्मुखी दिवस हर साल कब मनाया जाता है? वर्ल्ड टैरो पोर्ट डे, पोर्ट पोर्ट कब मनाया जाता है? भी आंसर करते रहिएगा। चेतन कौशल सी ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, सही आंसर है वो है 2 जनवरी, ए ऑप्शन 2 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 2 जनवरी। अगला सवाल है, टेक्नो स्मार्टफोन है किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर, जल्दी से बताइएगा। स्मार्टफोन के हैं टेक्नो के, उन्होंने किसी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, कौन? जल्दी से आंसर दीजिएगा, किससे अपना ब्रांड बनाया है? बहुत ही बढ़िया आंसर आ रहे हैं, बहुत ही अच्छे से। आपको क्या लगता है, विराट कोहली के साथ जा रहे हैं? करेक्ट आंसर क्या रहेगा, वही देखने वाली बात है, कौन आंसर जो है वो बिल्कुल अच्छा देगा। सही आंसर रहेगा वो है दीपिका पादुकोण, दीपिका पादुकोण, ममता सिंह का बिल्कुल सही आंसर। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, डी ऑप्शन। अब हमारा जो है वो सामान्य ज्ञान यानी कि इंडिया स्टैटिक की क्लास है, ये क्लास जो है वो सभी के लिए इम्पोर्टेंट रहेगी, जो कि हिमाचल पुलिस, पटवारी, टैट और साथ में अपना एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस को जो हैं वो लगाएं आप, ना आप इन क्वेश्चंस को देखिए, आप क्या लगता है क्या आपकी तैयारी हो रही है कि? चलिए स्टार्ट हैं, आप रेडी हैं पहले सवाल से आज के, ये रहा। निम्नलिखित में से किस शासक ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था? 1178 में जो है किस शासक ने मोहम्मद गोरी को हराया था? जल्दी से आंसर कर दीजिएगा। ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दी होती हैं, आप जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं। 1178 में हराया है, जल्दी से आंसर करिएगा। समय समाप्त हुआ, करेक्ट आंसर देख लेते हैं। करेक्ट आंसर है बी, भीम द्वितीय ने। किसने हराया था? भीम द्वितीय ने। भीम द्वितीय ने 1178 में मोहम्मद गोरी को हराया था। 1178 में मोहम्मद गोरी ने गुजरात पर आक्रमण किया, किंतु भीम द्वितीय ने अपनी योग्यता और साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पर्वत के निकट गोरी का मुकाबला किया और उसे बुरे हाल से परास्त किया, और ये भारत की पहली पराजय भी थी गोरी की। गौरी की मतलब भारत के लिए। नेक्स्ट है, किस राजपूत शासक ने 1191 में त्राइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को हराया था? किसने मोहम्मद गोरी को हराया था? बहुत बढ़िया निकेतन, बहुत बढ़िया, सही आंसर है डी ऑप्शन, पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान बिल्कुल सही आंसर है, पृथ्वीराज चौहान 1191 में हुआ था प्रथम युद्ध जो कि त्राइन का, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। इसके
उसके बाद नेक्स्ट आता है दिलवाड़ा के चालुक्य मंदिर, यानी कि जैन मंदिर कहाँ स्थित हैं, दिलवाड़ा के जो है जैन मंदिर कहाँ पर स्थित है। सभी आंसर करिएगा, बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हैं आप, बहुत बढ़िया से है। राजस्थान के साथ जा रहे हैं, करेक्ट आंसर भी बिल्कुल सही, सी ऑप्शन राजस्थान की डिटेल देख लीजिएगा। दिलवाड़ा का मंदिर है के पांच मंदिरों का समूह है, ये राजस्थान के सिरोही जिले के माउंट आबू पर्वत यानी कि छोटा शिमला बोलते हैं, ये शानदार जैन धर्म के तीर्थकरों को भी समर्पित है। ये मंदिर विमल शाह के आदेशों पर जो है और वास्तुपाल और तेजपाल नामक दो भाइयों द्वारा बनाया गया था, के द्वारा बनाया गया था, भाइयों के द्वारा बनाया गया था। और ये मंदिर जो है तीर्थकर आदिनाथ को समर्पित, इसको समर्पित है आदिनाथ को समर्पित। अजंता की गुफाएं डैश में है, यानी कि अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है, जल्दी से आंसर साथ साथ में दीजिए। अजंता की गुफाएं कहां पर स्थित है, सही आंसर रहेगा वो है ए ऑप्शन महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में है, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित हैं अजंता की गुफाएं। अजंता की गुफाएं औरंगाबाद के बाध नदी के किनारे पर स्थित हैं और ये 1829 में शिकारी कशीदल ने खोजा था को, मतलब गुफाओं को याद रखिएगा। और ये गुफाएं लग करीब 200 वर्ष पूर्व से लेकर 700 के मध्य बनी हुई हैं, मैं फूल पत्तियों के चित्र पाए हो मतलब प्राप्त हुए हैं या प्राप्त होते हैं, ये याद रखना है। अगला सवाल, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक थी तो भारत के किस तुर्की शासक की बेटी भी थी, किस तुर्की शासक की बेटी भी थी, जल्दी से बताइएगा। और आपको पता है ये इसको अपना सिंहासन ही नहीं मिला, इसके पिता ने तो इसको बोल दिया था अपने तब जीते जी उन्होंने इसको रानी भी मतलब यानी कि साम्राज्य भी दे दिया था, मगर इसको बन नहीं पाई थी। फिर बाद में इसने क्या किया कि लाल कपड़े पहनने की एक प्रथा थी जो कि न्याय मांगने से जुड़ी हुई थी, न्याय मांगने के लिए ये लाल कपड़े पहनकर जुम्मे वाले दिन जिस दिन नमाज पढ़ रहे थे तो लोगों के बीच में जाकर पहुंच गई, तो जाकर क्या। प्यारे बच्चों याद रखिएगा ए ऑप्शन शमसुद्दीन इल्तुमिश नाम है पूरा नाम, ठीक है जी सुनिए। मध्यकालीन इतिहास में दिल्ली सल्तनत के प्रथम राजवंश जो थे या गुलाम वंश मामलुक वंश के नाम से जाना जाता है इसको, और वास्तविक संस्थापक इल्तुमिश के पश्चात उनकी पुत्री जो थी रजिया भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका बनी, जो कि समय है 1236 से 40 का, और बिल्कुल सही आंसर अनिल कुमार ने दिया है। अगला सवाल है, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, ब्रिटिश भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी, बहुत बढ़िया 1911 के साथ गए हैं बहुत से बच्चे, बहुत बढ़िया 1911 ए ऑप्शन, सभी देखते ही आंसर ठोक दिया करो, कोई इशू नहीं है। ये था इसका आंसर 1191 में था, ठीक है। और दिल्ली के दरबार का आयोजन किया गया था, ये अनिल कुमार बता रहे हैं कि दिल्ली दरबार के टाइम में, तो दिल्ली दरबार में ही ये हुआ था, और 1 अप्रैल 1912 को जो है ये राजधानी बनी थी, ठीक है। सिर्फ घोषणा हुई थी 11 में, पर बनाया कब गया है 12 में। अगला सवाल, इनमें से युगमों से पहाड़ी दर्रों के संदर्भ में सही है, मतलब इनमें से कौन सा संदर्भ जो है वो बिल्कुल सही है और सारे गलत ऑप्शंस हैं, एक ही सही है।
जल्दी से आंसर कमेंट कर दीजिएगा आप। बिल्कुल सही है अनिल कुमार आपका, लिपुलेख जो है वो उत्तराखंड में है, पहाड़ी दर्रा। रोहतांग तो हमारा अपना ही है, और जो नाथुला है वो सिक्किम में था, बोमडिला जो है वो भी शायद अरुणाचल प्रदेश में है। हाँ अरुणाचल प्रदेश में है, मैंने आपको पहले से बता दिया, ये नोट कर सकते हैं आप आराम से घर में बैठ। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा सिक्किम को चीन से जोड़ता है? ज़्यादा समय नहीं लूंगा आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ाते वक्त। कौन सा दर्रा जो है सिक्किम को जोड़ता है चीन से? नाथुला के साथ जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, नाथुला ही आंसर सही है। ए ऑप्शन नाथुला सही आंसर है। जो ऑप्शंस देख रहे हैं या सोच रहे हैं तो नहीं भैया, आंसर जल्दी से मैं ही दे दूंगा, इसलिए देखते ही आंसर दे दीजिए, देखते ही आंसर दे दीजिए भैया। अगला सवाल, कवरत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? कवारत्ती भी लिखा होता है, कवरत्ती भी लिखा होता है, जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं, जल्दी से आंसर कर सकते हैं। लक्षद्वीप के साथ जा रहे हैं कुछ, लद्दाख के साथ जा रहे हैं, लद्दाख कहाँ पहुंच गए? लक्षद्वीप ही सही आंसर है, डी ऑप्शन, ये तो कारगिल हो गई है। अब अगला सवाल, भारतीय राज्य उत्तर पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है, कौन सा राज्य है जो कि उत्तर पश्चिम और दक्षिण से बांग्लादेश से घिरा है? त्रिपुरा के साथ जा रहे हैं, त्रिपुरा के साथ जा रहे हैं प्यारे बच्चे, सभी आंसर कमेंट करिएगा। अनिल कुमार ने आंसर दे दिया है, त्रिपुरा सी ऑप्शन के साथ गए हैं, बिल्कुल सही आंसर बच्चा, बहुत बढ़िया आंसर है सबका, त्रिपुरा, त्रिपुरा इसका सही आंसर है, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन भैया। फ्यूचर अब हमारी जो क्लास है अगली वो है जनरल साइंस की, जनरल साइंस से जुड़े हुए सवालों को लेकर आया हूँ, और इनकी जो डिटेल्स हैं उनका पीडीएफ अभी थोड़ी देर में जो है वो क्लास में पड़ जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ने के लिए पिन किए हुए ऊपर चैट बटन में आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ। जनरल साइंस का पहला सवाल, ईस्ट एक डैश है, ईस्ट क्या है? फंगस है, आपके बैक्टीरिया है, एल्गी है, या प्रायो फाइटा है? आप अपना आंसर कमेंट कर सकते हैं, आपके हिसाब से ईस्ट क्या है? करेक्ट आंसर रहेगा वो है एक कवक, एक कवक है, फंगस है, फंगस है जी, फंगस, बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हैं ममता जी, आज के आपके बहुत ही अच्छे आंसर रहे हैं। ईस्ट एक कवक है जो कि एक मृत्य परजीवी है, मृत्यु परजीवी है, यानी कि डेड है, ठीक है। नेक्स्ट बताइएगा, बैरिसेला जोस्टर नामक वायरस है वो किस मतलब के कारण क्या होता है? बैरिसेला जल्दी से आंसर बताएं, जल्दी से आंसर बताएं, बैरिसेला जोस्टर नामक वायरस से क्या होता है? बैरीसेला जोस्टर नाम से क्या होता है? आंसर कमेंट कर सकते हैं आप अपना अपना फटाफट, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया है, करेक्ट आंसर देख लेते हैं, बी ऑप्शन, चिकन पॉक्स, चेचक, चेचक जो है वो होता है बैरीसेला जोस्टर नामक वायरस से। बहुत ही बढ़िया आंसर दिए थे आप सबने।
अगला सवाल, निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण, विडाल डाल करवाते हैं हम टेस्ट, याद रखिएगा विडाल टेस्ट होता है। विडाल टेस्ट किस चीज के लिए होता है, क्या पता लगाने के लिए होता है? एड्स, एड्स के लिए भैया नहीं होता, एलिसा टेस्ट होता है। चलिए तो मैं डायरेक्ट बता देता हूँ अनिकेतन जी, एलिसा टेस्ट होता है। और सबसे अच्छा आंसर जो दिया था वो दिया था रजनीश राणा ने, टाइफाइड, टाइफाइड फीवर होता है जब विडाल टेस्ट करवाया जाता है। मैंने भी करवाया था अपने टाइम में, मेरे को भी हुआ थे, बुखार चले थे तो विडाल टेस्ट करवाया था। टाइफाइड के लिए विडाल टेस्ट होता है बच्चों। अगला सवाल, गोइटर यानी कि गंडमाला की बीमारी कहाँ होती है, गंडमाला की गोइटर बीमारी कहाँ पर होती है? बिल्कुल सही अनिकेतन, मैं सभी से अपने व्यूअर्स से कहूंगा कि बच्चा आपने एक कॉपी बनानी है और ये जो पीडीएफ है वो आपने नोट कर लेना है, या इस फाइल को नोट कर लो या इस वीडियो को बार बार देखकर नोट कर लो, याद भी हो जाए। सी एस शर्मा जी आपका बहुत अच्छे से स्वागत है और क्लास में, और बहुत अच्छे से आप आंसर देते हैं हमारी डेली क्लासेस में। थायराइड ग्लैंड, बहुत ही बढ़िया बेटा, ऐसे ही आते रहिएगा सभी। ममता सिंह भी बहुत बढ़िया, अच्छे से आंसर दे रहे हैं, आज हमारी पहली क्लास में आए हैं। मैं आपको कहूंगा कि बेटा आप हमारी डेली क्लास शाम 8 बजे चलती है, आप डेली हमारे साथ जुड़िएगा। अगला सवाल, शब्द उत्पत्ति वर्ण बर्तन मुख्य रूप से संदर्भित करता है, यानी कि द टर्म्स ऑफ द मॉड्यूलेशन मेनली रेफर्स टू, क्या आंसर रहेगा? आंसर सोचिए जल्दी से, सी के साथ जा रहे हैं, 5 का सी बता रहे हैं नवीन पठारी और अनिकेतन, बिल्कुल ही गलत है, अनुवांशिक कूट है यानी कि गलती है, जेनेटिक मिसटेबल है, डी ऑप्शन। नीचे दिए गए पोषक तत्वों में से दूध में क्या बहुमत यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है या होता है, क्या होता है दूध में सबसे ज्यादा, जल्दी से बताएं। अब यह मत बोलिएगा कि गाय का है कि भैंस का कि बकरी का, सही आंसर देख लेते हैं, वो ए ऑप्शन। यहां पर तो गलत है, सी, सी कहाँ होता है, कौन से पोषक तत्वों से क्या अल्प मात्रा में होता है, देख लेते हैं, इसका सी ऑप्शन दिया गया है, एक बार चेक कर लेना बच्चों। दूध में लगभग सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं परंतु विटामिन सी दूध में बहुत अल्प, अल्प मतलब कम मात्रा में पाया जाता है। अच्छा यहाँ पे था ए, पोअर, सबसे कम पाए जाने वाला, तो सबसे कम भैया विटामिन सी हुआ ना, प्रोटीन तो ठीक है, कैल्शियम भी ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी ठीक है, ठीक है, मगर सबसे कम क्या पाया जाता है ये पूछा था, मैंने अल्प लिखा था ना तो उससे थोड़ा आइडिया नहीं लग रहा था, अल्प वर्ड है। सबसे कम क्या जब पाया जाता है बच्चों, विटामिन सी पाया जाता है बहुत ही कम दूध। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बहुत ही ईजी सवाल, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है प्यारे बच्चों, जल्दी से अपना आंसर साथ साथ में कमेंट कर सकते हो, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी, बहुत बढ़िया बेटा, बेरी बेरी ए ऑप्शन के साथ जा रहे हैं, बेरी बेरी रोग होता है, कौन सा रोग होता है, बेरी बेरी रोग होता है, बहुत बढ़िया। देखिए विटामिन बी वन का नाम है थायमिन और रोग होता है आपको बेरी बेरी, विटामिन डी का है कैल्सिफेरोल, रोग होता है सूखा रोग, विटामिन सी का स्कॉर्बिक एसिड, रोग होता है स्कर्वी, क्वाशियोकोर जो है वो प्रोटीन की कमी से होता है, नोट कर लीजिएगा, पीडीएफ आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे।
विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? जल्दी से आंसर कमेंट कर सकते हैं। विटामिन से जुड़े हुए सवाल और वीडियोस देखने के लिए विटामिन विजयपथ पालमपुर डालिए, आपको मिल जाएंगी हमारी क्लासेस। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? टिकेट्स के साथ जा रहे हैं सी ऑप्शन के साथ जाना था, मगर विटामिन डी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी का रोग होता है भैया, ये यहाँ पर मिस्टेक है, का रोग ये यहाँ से लग, रिकेट्स होता है, बी ऑप्शन सही है, टिकेट्स सही है, सी यहाँ पर गलत लिख दिया है, सी नहीं है प्यारे बच्चों, बी ऑप्शन है, क्या है बी ऑप्शन है, मैं इसको सही कर दूंगा अभी, रिकेट्स सूखा रोग, ठीक है, रिकेट्स सूखा रोग होता है, टिकेट्स सूखा रोग होता है, ये आप पढ़ लीजिएगा इसकी डिटेल बाद में आराम से। कौन सा विटामिन कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है? एब्जॉर्प्शन में, हाँ एब्जॉर्प्शन में जो है कैल्शियम, कौन सा विटामिन जो है कैल्शियम के अवशोषण को, मतलब यानी कि सुखाने के लिए, ये कौन सा है? हाँ मुझे मालूम लग गया था, यानी कि स्कर्वी आना था, सी से होता है स्कर्वी, बहुत बढ़िया, अच्छा आंसर है विटामिन डी, डी ऑप्शन डी है इसका, देख लेते हैं। विटामिन डी जो है वो कैल्शियम के अवशोषण में सहायक होता है। विटामिन डी का संश्लेषण सूर्य प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों की त्वचा उपस्थित अभिक्रिया के फलस्वरूप होता है। विटामिन डी विटामिन ए के दो विटामिन हैं जिनका संश्लेषण मानव शरीर में होता है, अन्य सभी विटामिनों का संश्लेषण विटामिन युक्त भोजन से होता है। ये मतलब ये खुद होते हैं ना, विटामिन डी और ए, ए नहीं है, के होगा ये, तो के है ये, विटामिन के है बच्चों, कौन सा है? के, ये दोनों होते हैं खुद और सारे के सारे जो है भोजन मतलब खाना खाकर ही होते हैं। हीमोफोबिया डैश का डर है, हीमोफोबिया किसका डर है? कुत्ते काटते हैं तब हो जाता है ये डर, एक बच्चे के साथ भी हुआ था उस, सही आंसर बताएं, ये था ब्लड, हीमोफोबिया, हीमोफोबिया जो है वो होता है ब्लड का डर, और हाइड्रोफोबिया होता है कुत्ते से, पानी से, ये अंधेरे से डर जो होता है वो होता है इक्टोफोबिया, चाय का डर उसको बोलते हैं, जैसे बोलते हैं ना मैं नीचे नहीं देख सकता, एक्रोफोबिया, पानी के डर को बोलते हैं एक्वाफोबिया, याद रखिए। आज की मास्टर क्लास कोर्स है ₹1 में, क्योंकि एचपी टैट का हमारा कोर्स शुरू हो रहा है बच्चों, सबसे सस्ता से सस्ता कोई नहीं हिंदुस्तान में भी, एक टॉफी से सस्ता कुछ नहीं, ₹1 से, मात्र ₹1 से एचपी टैट 2024 का कोर्स मिल रहा है, मॉक टेस्ट सीरीज, ई नोट्स और साथ लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस हमारी दी जा रही है एप्लीकेशन पे, और किसी को कोई दिक्कत आती है तो वो हमसे डेली संपर्क कर सकता है, उसके लिए भी हम तैयार हैं, वो ये कोर्स हमारे यहाँ से परचेज कर सकते हैं। और ये थी आज की हमारी क्लास, आप हमें फॉलो कर सकते हैं vijaypatheducation.com पर, ईमेल कर सकते हैं vijaypatheducation@gmail.com पर, या साथ में ही आप हम मुझे व्हाट्सएप करिए सेम नंबर पर, और किसी भी प्रकार के सोशल मीडिया हैंडल पर भी हमें फॉलो करना है तो विजयपथ पालमपुर को सर ही मिलकर जो है इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करें, और साथ में ही फॉलो करें और सुजेस्ट करें अपने दोस्तों को कि इसको ज्वाइन करें, और साथ में हमारे साथ मिलकर डेली क्लासेस शाम 8 बजे लगाएं। आज की क्लास में क्या
कैसी रही आप जरूर कमेंट करिएगा और बताइएगा कि और क्या खास है। बने रहिएगा इसी चैनल पर वीडियो के अंत तक। अपना खास ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।